गुड मॉर्निंग। तो स्वागत करते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो भैया अभी सुबह के 11:30 बज चुके हैं और हम जाने वाले हैं आज चौमिन फैक्ट्री और आपको दिखाएंगे कि चौमिन कैसे बनता है, ए टू जेड प्रोसेस दिखा देंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए मेरा भाई जो कि आज वीडियो बनाने में साथ देगा, कुछ कुछ अगर मोबाइल पकड़ना हो तो ये शूट करेगा या फिर वहाँ पे जाके पता चलेगा कि इसका यूज है या नहीं। ऐसे तो हम अकेले ही काम कर लेते हैं लेकिन आज इसको इसका यूज है कि सबसे पहले तो हम लोग साइकिल से जाएंगे और साइकिल चलाए गए यही, तो इसके साथ हम जा रहे हैं बैठ करके फैक्ट्री के पास और इसका यही सबसे पहला यूज हुआ। अकेले हम जाते और रिकॉर्ड नहीं कर पाते इसलिए इसको लेना पड़ा। तो चलिए अब बैठ के चलते हैं फैक्ट्री में इसके साथ। तो हम लोग चल दिए हैं अब। वाह वाह, छोटा सा बच्चा है लेकिन साइकिल चलाने में बहुत एक्सपर्ट है। ये आ गया। अब हम लोग अब जस्ट पहुंचने वाले ही हैं। हम लोग फाइनली उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे चौमिन का फैक्ट्री है, चौमिन बनाया जाता है, सब कुछ इसके अंदर है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है गैरेज, मतलब यहां पे जो लोग रहते हैं, मतलब जो काम करने आते हैं उनका यहां पे गाड़ी। ये रहा हम लोगों का चौमिन फैक्ट्री और ये है गैस, बहुत सारा चीज़ है हम दिखाएँगे। पहले आपको मशीन दिखा देते हैं उसके बाद भाई लोग से पूछ के बता देंगे। और ये मेन मशीन है, इसको हम चलते हुए देखे हैं, यही मशीन है जिससे चौमिन निकलता है, इसको चलते हुए देखे हैं इसलिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं। हम तो सोचे थे कि लेट हो जाएगा लेकिन लेट हुआ नहीं, अभी अभी ही मशीन को चालू किया जा रहा है, अभी काम स्टार्ट थोड़ा थोड़ा हुआ है, जब पूरा रनिंग में आएगा काम तो आपको दिखाएंगे। तो आपको बता दें कि ये छोटा सा फैक्ट्री है लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा है हमको ये बता देते हैं आपको कि जब फैक्ट्री में आइएगा ना तो आँख बहुत ज़्यादा लहरता है, बहुत ज़्यादा लहरता है। जो काम कर रहे हैं उनके आँख से भी आंसू निकल रहा है और आंसू निकलने के कारण यही है कि जो उबालते हैं उसके कारण निकलता है। और माथा भी जो सर है वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा क्योंकि यहाँ पे आइएगा तो इतना ज़्यादा अजीब सा फील होता है आँख में, आँख में जो अजीब सा फील होता है ना उसके कारण सर दर्द करने लगता है। मतलब जो चाउमीन हम लोग खा लेते हैं नॉर्मल सा लेकिन उसको बनाने में बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, अब समझ में आया। तो चलिए काम रनिंग में होना स्टार्ट हो गया है तो वो वीडियो हम आपको शेयर कर। 3-4 स्टेप होता है चौमिन बनाने का। तो पहला स्टेप ये भाई साहब कर रहे हैं और ये भैया ये बताए हैं कि फर्स्ट स्टेप यहीं पर हो रहा है। ये छोटा सा मशीन है जो कि मैदा को मिक्स किया जा रहा है, पानी डाल करके मिक्स किया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं बैक। छोटा सा मशीन देखने में लग रहा है लेकिन ये जो मैदा होता है ना, मैदा को मिक्स किया जाता है पानी थोड़ा सा डाल करके और इसके अंदर डाल दिया जाता है और ये मशीन ऑटोमेटिक उसको मिक्स करता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप में यही काम। देखिए ये मैदा किस प्रकार से मिक्स हो रहा है आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा, ऐसे ये पूरा खोल नहीं सकते हैं, जैसे ही अगर पूरा खोल देंगे तो मैदा जो है वो बाहर बिक देगा इसलिए इसको खोल नहीं सकते हैं। चलिए दिखाने के लिए उतना खोलते हैं, मशीन को बंद कर दिए हैं और थोड़ा और मिक्स होगा इसलिए फिर से मशीन को चालू करेंगे। यहाँ से फिर से मशीन हो गया और फर्स्ट स्टेप वहाँ होने के बाद यहाँ पे ये चादर जैसा बनाया जाता है, लंबा चादर जैसा, उसी मैदा को इसमें मिक्स कर कर के और वहाँ से अब देखिए आगे का प्रोसेस। ये सेकेंड प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस यहाँ था और सेकेंड प्रोसेस यहाँ है। अब यहाँ से देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, अब इसको रोल किया जा रहा है, जो हम बोले चादर जैसा बना दिया जाता है उसको अब रोल कर रहे हैं और रोल करने के बाद क्या होता है देखते हैं। चलिए अब वो रोल कंप्लीट हुआ, अब सेकेंड रोल बनेगा। देखिए फर्स्ट स्टेप में जो मैदा मिक्स होता है ना वो मैदा मिक्स होकर के यहाँ पे रखा गया है और इसी मैदा को सेकंड स्टेप में लगाया जाता है और इस तरह से चादर जैसा बना करके और इसी से चौमिन तैयार होगा। ये छोटा पट्टा बन रहा है, इसके बाद जो बनेगा वो बड़ा पट्टा बनेगा, उसके बाद प्रोसेस होता है कटिंग का, मतलब चौमिन के डिज़ाइन में कटिंग होगा।
तो ये छोटा पट्टा बन रहा है और बड़ा पट्टा भी बनेगा, वो भी शेयर करेंगे। तो छोटा पट्टा बनकर रेडी होता है, वो हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से रेडी होता है। ऐसे ये सब प्रोसेस भैया ही बता रहे हैं, उसके बाद ही हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस सब के बारे में आइडिया है नहीं हमको। और ये भैया जो आप देख रहे हैं यही ऑनर हैं, इस फैक्ट्री का यही ऑनर है और ये एक यूट्यूबर भी थे। फिर से बोल दीजिए भैया, क्या बोले? 7 से 8 बार पिसाई होता है ज़्यादा। अच्छा, ये बात काफ़ी लंबा लंबा होता है। अच्छा भैया, ये बोले आपको आवाज़ गया हो गया नहीं, हम आपको बता दें, बोले कि ये 7 से 8 बार इसका पिसाई होता है, जो रोल आप देख रहे हैं ना, ये 7 से 8 बार इसको पिसाई करते हैं, उसके बाद चाउमीन मतलब अच्छा बनता है, ये बताए अभी भैया। तो अभी पिसाई चल रहा है और जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो चाउमीन के डिज़ाइन में जो निकलता है, जो कटिंग होता है, वो कटिंग का आपको सीन दिखाएंगे। बता देते हैं कि ये 2 कट्टा बोलते हैं ना, 2 कट्टा ये बन चुका है मैदा का, और ये 50 kg मैदा था और हम आए थे लगभग 1 बजे के आसपास आए थे, लेकिन अभी 2:30 बजने जा रहा है, तब से ये इसको इसमें मिक्स कर रहे हैं, मतलब कट्टा बना रहे हैं, फिर काट रहे हैं, फिर बना रहे हैं, फिर काट रहे हैं, इस प्रकार से बनाते बनाते अब ये लास्ट कट्टा बन रहा है, ये दोनों मिक्स होकर के 1 कट्टा बनेगा, उसके बाद लास्ट में फाइनल कट होगा जो कि चाउमीन के रूप में आएगा, उसके बाद वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होगा इसका, उसके बाद वहाँ से फिर यहाँ आएगा पैक होगा। जो लग रहा है वो डाई है, इसी के थ्रू जो चाउमीन है वो कट होगा। तो अब देखिए ये डाई फिट हो गया है और उसके बाद चाउमीन जो ये कट्टा बना है, इस कट्टा को इस कट्टा के थ्रू ही चाउमीन निकलेगा। तो अब चाउमीन बनना स्टार्ट हो गया है, चाउमीन के डिज़ाइन में आप देख लीजिए, वही जो पट्टा था मैदा का पट्टा, वो चाउमीन के डिज़ाइन में रेडी होकर के अब यहाँ पे इसको हैंग कर दिया जाएगा। तो अब ये फाइनल में जो चाउमीन है वो बनना रेडी हो गया है, कुछ टेस्ट हो रहा था कि सही निकल रहा है या नहीं, तो अब फाइनल हो गया है कि अब सही है और ये इस तरह से चाउमीन निकलता है, जो कि आप साफ साफ देख सकते हैं। बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत है, खाने में तो बहुत ईजी है, लेकिन बनाने में देख लीजिए कितना ज़्यादा मेहनत है। हम लगभग 1.5 घंटा से बैठे हुए हैं, तब जाके ये नज़ारा हमको देखने के लिए मिला है। आपको मेरे चैनल पे पहली बार इस तरह से चाउमीन बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब हर एक पार्ट को हम शेयर कर रहे हैं, कैसे चाउमीन बनता है, हर एक प्रोसेस को हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के बीच में।
ये जो पट्टा देख रहे हैं ऐसा ऐसा दो पट्टा था, एक पट्टा कंप्लीट हो गया है और दूसरा पट्टा में काम शुरू हो गया है। और पहला पट्टा वाला इधर चाउमीन है, सेकंड पट्टा वाला ये चाउमीन है। अब ये लास्ट समय आ गया है जो चाउमीन का कटिंग हो रहा है वो लास्ट, अब मटेरियल ख़त्म हो गया और टोटल का टोटल चाउमीन इतना बन करके रेडी हुआ है, 50 kg में इतना बन करके रेडी हुआ है। और ये अब मशीन हो जाएगा बंद क्योंकि अब यहाँ पे मटेरियल ख़त्म हो गया। अब फाइनल प्रोसेस क्या है कि ये जो चाउमीन बन करके रेडी हुआ है ना, इसको उबाला जाता है या स्टीम बोल सकते हैं, स्टीम किया जाता है यहाँ पे पीछे। तो आपको हम बैक कैमरा से दिखाते हैं किस तरह से प्रोसेस होता है सब कुछ। नीचे है पानी, उसको गर्म कर दिया गया है, उसके बाद एक जाली जैसा रखा गया है कुछ इसी में है। और ये जो है चाउमीन जो आप देख रहे हैं ना, ये जो डंडा है फंसा फंसा कर रखा गया है, इसी को इस तरह से लगाया जा रहा है ताकि ये स्टीम हो जाए। और इसको 20 मिनट रखा जाता है ना भैया, 45 मिनट, इसको 45 मिनट इसी तरह स्टीम करेंगे। उसके बाद देखिए स्टीम प्रोसेस कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होने के बाद चाउमीन अब पैक होता है यहाँ पे 2-2 kg वेट कर करके और पैक करते हैं। वहाँ पे देखिए पैक हो रहा है पॉलीथीन में और उसके बाद मार्केट में सेल होता है। उसके बाद चलिए अब हम यहाँ के जो ऑनर हैं उस भैया से, अब मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो भैया है इस कंपनी के ऑनर। और आपसे हम एक बात बता दें कि अगर आप मेरे चैनल के थ्रू आते हैं तो भैया कुछ डिस्काउंट देंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। और इनका जो भी डिटेल है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक ज़रूर कीजिएगा। चलिए भैया बताइए कुछ। हाँ, आपके ये थ्रू जो भी आएंगे उनको दिया जाएगा डिस्काउंट। और आपको बनाने का अगर कोई इच्छुक होगा मतलब मशीन लेने के लिए, वो भी आदमी रिक्वायरमेंट करके और मशीन दिलवा देगा जी। आपके यहाँ सॉस वगैरह भी मिलता है उसके? हाँ जी, सॉस भी आपको दिखाया जाएगा कि क्या किस टाइप का है। और सॉस अवेलेबल है, बिहार के किसी कोने में आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा। इस कंपनी में भैया के थ्रू मैदा को चाउमीन में कन्वर्ट करते हैं। और उतना ही नहीं, यहाँ पे चाउमीन के साथ साथ जो भी चाउमीन को खाने लायक बनाने के लिए जो भी सामान का ज़रूरत पड़ता है सब भैया के यहाँ अवेलेबल है। जैसे कि देखिए ये चिली सॉस है, अगर आप पेटी लेते हैं, पेटी में 12 बोतल मिलता है ऐसा ऐसा, वो बहुत ही सस्ता पड़ जाएगा। और अगर आप सिर्फ एक बोतल ख़रीदना चाहते हैं तो 70 रुपये का पड़ेगा, इतना बड़ा बोतल 70 रुपये का। ये चिली सॉस हुआ और ये सोया सॉस हुआ और ये आपका है टोमेटो सॉस, ये सभी 70 रुपये का है। और अगर आप पेटी लेते हैं तो बहुत ही कम दाम में पड़ेगा, एक पेटी में 12 ऐसा ऐसा बोतल होता है। अगर आपको जानना है कि कितना सस्ता पड़ेगा वो आपको भैया से संपर्क करना होगा। आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, A to Z इनका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सिर्फ आपको करना क्या है, सिर्फ मोबाइल को उठाना है, कॉल करना है और डायरेक्ट भैया से बात करना है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े मात्रा में यहाँ से खरीदेंगे तो भी मिलेगा, आप खुदरा मात्रा में भी यहाँ से खरीदेंगे, मतलब छोटा छोटा आप दुकान भी चलाते हैं, अगर आप यहाँ से ख़रीदना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ से सामान मिल जाएगा। आप बेधड़क इनको कॉल कर सकते हैं और अपना सामान उचित दाम में ले जा सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपना दुकान, अपना प्रोडक्ट, अपना कंपनी को मेरे चैनल के थ्रू प्रमोट करना है तो आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज जो भी है आप मैसेज कर सकते हैं, आपका प्रमोट हम ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।